सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीबीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आपने जैसे देखा कि ईएमए हमने यूज किया और हमने क्या फाइंड किया था कि पुल बैक पे अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और मैं उसमें आपको कुछ चार्ट भी दिखाया था जहां पे पुल बैक में अपन ट्रेड कर रहे थे और कैसे ट्रेड करना था सब कुछ मैं बता दिया था। रूल वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, और मैं बोला था नेक्स्ट वीडियो में ब्रेकआउट के ऊपर बात करूंगी। तो इस वीडियो में मैं ब्रेकआउट के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ईएमए को यूज करके हमारा ईएमए 3 रहेगा। जो भी इस वीडियो में नए हैं प्लीज पुराना वीडियो जाकर देख लें, उसमें आपको ये सारा चीज देखने को मिल जाएगा, सीखने को मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ईएमए जो मैं यूज करूंगा 3 ईएमए यूज करूंगा, 13, 34, 55, 13, 34 और 55 3 ईएमए मैं यूज करूंगा। और इसका यूज करके पुल बैक ट्रेड अपन करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, क्रॉस ओवर ट्रेड करेंगे। पुल बैक में बता दिया हूँ, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ट्रेड के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब होगा, जब मार्केट या तो साइड पे होगा तब होगा, या तो मार्केट कोई पैटर्न बना रहा, यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ से ब्रेकडाउन किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर मार्केट में बन रहा तब हमें ट्रेड अच्छा खासा मिलता है और उसमें प्रॉफिट होता है। तो आपका भी ये बोलना होगा कि यहाँ पे एसएमए का यूज क्या है, सॉरी ईएमए का यूज क्या है। तो ईएमए का यूज हमारा ये है कि हमें एक ट्रेंड देगा और हमें एक कॉन्फिडेंस देगा ट्रेड करने के लिए कि क्या ये ईएमए हमारे तरफ है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न है और ऐसे मार्केट जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो ईएमए है 3 ईएमए है, उसका 13 पीरियड जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13 पीरियड को ऊपर होना चाहिए, 13 पीरियड को यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए 34, उसके नीचे होना चाहिए 55। लेकिन अगर जस्ट अपोजिट है कि सबसे ऊपर 55 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 13 है और यहाँ ब्रेकआउट हो रहा, तो ये ज्यादा देर ब्रेकआउट टिकेगा नहीं, मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स करके ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट कर सकता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे कि अगर अपन कंबाइन करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का ट्रेड करेंगे, अगर वहां पे 3 ईएमए का अगर अपन कॉम्बिनेशन करते हैं तो उससे अपना ट्रेड का जो होगा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में अपन ट्रेड जो करेंगे उसका एक्यूरेसी भी अच्छा रहेगा। तो चलिए कुछ ट्रेड देख लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ ब्रेकडाउन के लिए, ब्रेकआउट के लिए विन मार्केट ट्रेंड ईएमए, विन मार्केट ट्रेंड ईएमए ट्रेंड अलोंग विद द मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट का जो ट्रेंड है और ईएमए का ट्रेंड है वो एक तरफ है। अगर ईएमए हमें बता रहा कि 13 ईएमए बोल रहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, 34 ईएमए बता रहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, 55 ईएमए बता रहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। When market remains sideways and consolidation, EMA will be flat. आपको ये पता है कि जब भी मार्केट साइड वे रहेगा जो हमारा मूविंग एवरेज होता है वो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। This indicate a major breakout is going to happen. जब भी मार्केट कोई भी एक मोमेंटम करेगा कुछ रेंज में, 100, 200, 300 पॉइंट के रेंज में, जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा या तो बड़ा मोमेंटम आएगा, ये सबको पता है। टू कन्फर्म ब्रेकआउट वी यूज ट्राइंगल और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट प्राइस एक्शन पैटर्न टू ट्रेड। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं क्या यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, क्या इस रेंज में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये सब हम लोग यूज करते हैं और साथ में अपन मूविंग एवरेज भी यूज करने वाले हैं और ट्रेड कुछ फाइंड करने वाले हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे देखना चाहता हूँ, ये 2 तारीख का चार्ट है, मैं चार्ट पे आ चुका हूँ, मैं 2 तारीख का चार्ट पे देखना चाहता हूँ क्या हमें 3 ईएमए यूज करके यहाँ पर ट्रेड मिला। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, टाइम पास यहाँ मार्केट कर रहा है, एज़ अ हंटिंग मार्केट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट करने गया, कहाँ पे रिटेस्ट किया, ये अपने जोन पे। फर्स्ट वीडियो में बताया था जोन अपना क्या रहेगा, 13 पीरियड का और 34 पीरियड का, मार्केट यहीं पे जाकर रिटेस्ट करता और वन साइड मोमेंटम देता। तो अगर यहाँ पे आपका एंट्री होता, अगर जैसे एग्जांपल समझो कि ये ट्रेंड लाइन आपने बनाया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं आपने बनाया और इधर कहीं आपने एंट्री किया, इधर आपने एंट्री किया या फिर यहाँ पे एंट्री किया या फिर यहाँ पे एंट्री किया कहीं भी, तो आप समझो कि एसएल जो आपका रहेगा स्पॉट प्रीमियम चार्ट में 15 से 20 पॉइंट आएगा और टारगेट जो आपको यहाँ मिलेगा कम से कम 80-90 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर से हमें खोजना, हमें बस खोजना क्या है, साइडवे मार्केट। साइडवे अपन खोजेंगे अपन ट्रेंड, नेक्स्ट ट्रेंड अपन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देख लो, यहाँ पे मार्केट क्या किया,
यहाँ मार्केट साइडवे था, ठीक है, यहाँ मार्केट साइडवे था, जब मार्केट ऊपर नीचे यहाँ टाइम पास करने के बाद यहाँ ब्रेक करता है, हमें क्या यहाँ दिख रहा, सबसे नीचे का जो ईएमए है वो 13 है, उसके ऊपर का 55 है, जो ग्रे आपको दिख रहा, जो रेड है, सॉरी ये 34 है और जो रेड है 55 है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो 13 को नीचे रहना पड़ेगा, मार्केट को ऊपर जाना है 13 को ऊपर आना पड़ेगा, सिंपल सा वर्ड में मैं यही समझाना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको यही दिखा, यहाँ पे आप ट्रेड करोगे, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड आपको यहाँ पे मार्केट दिखाता है। मैं कुछ और चार्ट दिखा देता हूँ आपको, जहां पे भी आपको ये दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो मार्केट क्या किया, एक चैनल यहाँ के क्रिएट किया, मार्केट यहाँ पे एक चैनल बनाया, चैनल बनाकर मार्केट क्या किया, ब्रेक किया। लेकिन जब ब्रेक किया यहाँ पे हमें क्या दिख रहा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो 20 ये जो है 13 ये ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है मार्केट गिरने का। इस पोजीशन पे 13 नीचे आता है, मतलब इधर हमारा सेफ ट्रेड बनेगा पुट के लिए, और इतना बड़ा ट्रेड आपको पुट के लिए मार्केट ने दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चेक करना है। फिर आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाया, ट्रेंड लाइन बनने के बाद यहाँ पे चैनल बोल लो या ट्रेंड लाइन बोल लो, मार्केट क्या किया यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, इस पोजीशन पे ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद जब ऊपर ऊपर गया, नीचे आकर फिर से रिटेस्ट करने गया, तो अपने लेवल पे 13 और 34 वाले लेवल पे रिटेस्ट किया, आपका यहाँ पे एंट्री मिला और पूरा ट्रेड ये आपका है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है ये हमें कि मार्केट आपके डायरेक्शन में यहाँ से मूव कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा प्लीज वीडियो लाइक करते चलना, साथ में अगर आपको टेलीग्राम पे हमारा ज्वाइन होना है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, इसमें आपको सीपीआर का एडवांस कोर्स मिल जाएगा, और जो मैं अभी बता रहा हूँ इससे और भी लेवल का चीज मैं उसमें बताया हूँ, बहुत सारा चीज उसमें इंक्लूड किया है, स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिलेगा, सेटअप मिलेगा, ठीक है, पोजिशनल वगैरह मिल जाएगा, और जो फी है वो 5000 फॉर लाइफ टाइम है। एक बार आप ग्रुप में ज्वाइन होगा कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, आपको 2 सीपीआर कोर्स मिलेगा, एक एडवांस कोर्स मिलेगा, एक ट्रेडिशनल सीपीआर कोर्स मिलेगा, साथ में पीडीएफ वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक एक्यूरेसी भी ट्रेड आपको मिलेगा, टेलीग्राम पे मैं रोज ट्रेड अपडेट करूंगा, वो भी आपको 90% एक्यूरेसी भी ट्रेड में देखने को मिलेगा। अब मैं कुछ और चार्ट देख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जैसे आप देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये जो अपना ईएमए है यहाँ पे पूरा फ्लैट है, यहाँ पे ईएमए, ठीक है, क्या था कि जब मार्केट साइडवे रहेगा ईएमए फ्लैट होगा, ईएमए अपना फ्लैट है, आप यहाँ पे देखो ट्रेंडलाइन मार्केट बना रहा, ठीक है, ये जब ब्रेक होता है, ये जब चैनल बोल लो ट्रायंगल बोल लो जो भी बोलना है बोल लो, जब ये ब्रेक होता है मार्केट रिटेस्ट करता है कहाँ पे, ये कैंडल अगर आप ध्यान दोगे मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ये कितने बजे का कैंडल है रिटेस्ट किया मार्केट, कितने बजे कैंडल में 1:25 के कैंडल पे, 1:25 का कैंडल ये है, मार्केट यहाँ रिटेस्ट किया, और आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसी कैंडल के पास 13 जो है वो नीचे आ चुका है, 13 पहले यहाँ पे ऊपर था, ये 13 अब नीचे आ चुका है, यहाँ पे आपका एंट्री बन चुका है, छोटा सा यहाँ आपका 5-10 पॉइंट का एसएल बनेगा, ठीक है, और इतना बड़ा आपको टारगेट मिलेगा 1:23 आराम से आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको छोटा छोटा चीज फाइंड करना है और उसी पे ट्रेड करना है। मैं एक दो चार्ट और आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से बैक टेस्ट वगैरह करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ भी अगर आप देखो, यहाँ भी आपको पूरा फ्लैट दिख रहा, ठीक है, आपको अब टेंशन ये होगा कि फ्लैट कहाँ मैं फाइंड करूँ, ट्रेंडिंग कहाँ फाइंड करूँ, ये है ट्रेंडिंग, ये है ट्रेंडिंग, ये है फ्लैट। तो फ्लैट जब भी मार्केट मूव करता है लोग क्या करते हैं, एक जगह मार्केट कंसोलिडेट करता है, या तो ट्रायंगल पैटर्न बनाएंगे, फ्लैग बनाएंगे, कुछ भी बनाकर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, इधर कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो इधर से मार्केट को एक रिजेक्शन फेस करने को दिख रहा, ठीक है, इधर से मार्केट को एक रिजेक्शन दिख रहा, तो मार्केट ऊपर जाता है, रिटेस्ट कहाँ पे करता है अपना 13 पे, 13 ईएमए पे रिटेस्ट करता है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर से जो रिटेस्ट आया 13 और 34 वाले जोन पे रिटेस्ट है, और वन साइड मोमेंटम मार्केट ने दिया। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।